सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं हूं मिलन, आप देख रहे हैं एनीटेक मिलन। तो वे चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं आज इस वीडियो में व्हाट्सएप की हैक के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप व्हाट्सएप को सिक्योर रखना चाहती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को मिस कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके व्हाट्सएप सेफ है या फिर नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप को सिक्योर रखना बहुत ही जरूरी है। व्हाट्सएप में हमारा बहुत ही पर्सनल चीज़ें होते हैं, इसलिए व्हाट्सएप की सिक्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका व्हाट्सएप कोई भी बंदा कंट्रोल कर रहा है तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपका जीएफ या बीएफ कंट्रोल कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जीएफ बीएफ छोड़कर कोई और आपका व्हाट्सएप कंट्रोल कर रहा है तो इसके बारे में आप जब भी जानोगे सच में आप पागल हो जाओगे। तो बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले आप व्हाट्सएप को सिक्योर रख दीजिए। तो फिर चलिए जान लेते हैं व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर रखना है। उससे पहले और एक बात आप लोगों को कह देता हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप को कैसे हैक किया जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को बता दूंगी व्हाट्सएप को कैसे हैक करना है। तो फिर चलिए व्हाट्सएप को सिक्योर कर लेते हैं। सो आपका व्हाट्सएप हैक्ड है या फिर नहीं, इसको आप कैसे जान सकते हैं। सो इसको जानने के लिए पहले आप जाइए व्हाट्सएप पर। सो व्हाट्सएप पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर जाइए। थ्री डॉट पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप वेब, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करने के बाद अगर आपके फ़ोन में ऐसा आती है तो आप जान सकते हैं आपका व्हाट्सएप सही सलामत है, हैक नहीं हुआ है। और बाई चांस आपके फ़ोन में व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद ऐसा आ गया तो आप जान सकते हैं आपका व्हाट्सएप कोई भी बंदा कंट्रोल कर रहा है। सो इसको बंद करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस। तो इस पर आप जब भी क्लिक कर दोगे, जिस बंदों ने आपका व्हाट्सएप को हैक किया था उस बंदों के फ़ोन में आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। सो इस तरीके से आप जान सकते हैं आपका व्हाट्सएप हैक्ड है या फिर नहीं। सो आप बात करते हैं व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर रखना है। सो व्हाट्सएप को सिक्योर रखने के लिए पहले आप व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। सो व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर जाइए। जाने के बाद आप जाइए सेटिंग्स पर। तो सेटिंग्स पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट, तो आप अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। सो अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेसी, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। सो प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाइए, और जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट है तो भी आपके फ़ोन में ये काम करेगा, वरना ये आपका फ़ोन में काम नहीं करेगा। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है ऐप लॉकर। सो ऐप लॉकर को डाउनलोड करने के बाद आप व्हाट्सएप को लॉक करके रख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट है तो आप फिंगरप्रिंट लॉक पर क्लिक कर दीजिए। सो फिंगरप्रिंट लॉक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको इनेबल कर दीजिए। सो इनेबल करने के समय आपको फिंगरप्रिंट देने के लिए बोला जाएगा, तो आप फिंगरप्रिंट दे दीजिए। फिंगरप्रिंट देने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इमिडिएटली, उसके बाद आफ्टर 1 मिनट, उसके बाद आफ्टर 30 मिनट, तो आप इसको इमिडिएटली कर दीजिए, क्योंकि इमिडिएटली करने के बाद आप जब भी व्हाट्सएप से बाहर निकलोगे तब ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। सो इसको आप लॉक करने के बाद आपके फिंगरप्रिंट के बिना कोई भी बंदा आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं कर पाएगा, इसलिए आप फिंगरप्रिंट को ऑन करके इसको इमिडिएटली कर दीजिए। सो इस तरीके से आप आपको व्हाट्सएप को सिक्योर रख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सभी को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में।